हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस हेल्प में। आइए आज हम देखते हैं कि एक लोगो बनाते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप को ओपन कर लीजिएगा, फाइल पर जाइए, न्यू डॉक्यूमेंट लीजिएगा। विड्थ एंड हाइट 1280x720 रखेंगे, रेजोल्यूशन हम 96 रखेंगे ट्रेनिंग पर्पज़। आप इसे प्रिंटिंग के लिए लेना चाहें तो 300 कर लें, और जो कलर मोड है यदि आप प्रिंट के लिए चाहेंगे तो आप CMYK के कलर मोड यूज़ कर सकते हैं। ये जो कलर मोड है ट्रेनिंग पर्पज़, हम RGB कलर यूज़ करेंगे। ओके प्रेस करें। ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है, राइट। हम इसमें जो बैकग्राउंड लेयर है ब्लैक कलर, वो हम फिल करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से। टेक्स्ट पर जाएंगे, हमने सबसे पहले सपोज़ पी लिया, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, एक और लेयर बनाएंगे, मूव करेंगे, हम टाइप करेंगे एस। ओके, पी एंड एस लेयर दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करें, स्केल अप करें, एस के हम येलो कलर देते हैं, राइट। हम इन्हें कंट्रोल दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर ग्रुप प्रेस बनाएंगे, ग्रुप को और बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे, इनका अलाइनमेंट करेंगे हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, राइट। और हम एक इलिप्स लेंगे, शिफ्ट प्रेस करें, सर्किल को एडजस्ट करें टेक्स्ट के अराउंड। ये देखिए हमारा सर्किल हमने एडजस्ट किया हुआ है। पी एंड एस हमारा जो लेयर है, हम एस को मास्क करेंगे, राइट। पी के जो टेक्स्ट लेयर है इसके आए कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो इससे हमें सिलेक्शन मिल जाएगा। अभी जो हमारा एस है ये पी के ऊपर दिख रहा है, राइट। हम ऑल्ट प्लस डी सिलेक्ट करेंगे, इससे हमारा एस जो है वो पी के पीछे चला गया है, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा इनका इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर दिखे, कंट्रोल डी प्रेस करें, पेन टूल लें, राइट। हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये जो हमें स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, हम स्ट्रोक्स को हम नॉन फिल कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिएगा। राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, ओके, एस पर जाएं, डिलीट प्रेस करें, राइट, कंट्रोल डी करें। हम यहाँ पर जाएंगे, एलिप्स को हम मास्क करेंगे, राइट। पेन टूल पर जाएं, नॉन सिलेक्शन करें, राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, ओके करें, एस एलिप्स पर जाएं, एलिप्स पर मास सेलेक्ट करें, ऑल्ट प्लस डिलीट करें, ये देखिए, राइट। हमें ये जो गैप है ये लेटर और एलिप्स सर्कल के बीच में हमें चाहिए था, तो हमने इसलिए ऑल्ट डिलीट किया, राइट। पेन टूल पर जाएं, हम ये चाहते हैं कि ये जो सर्कल है ये यहाँ से लेटर के ऊपर ना रहे, पेन टूल पर सिलेक्शन करें, स्ट्रोक को नॉन सिलेक्ट करें, जूम इन कर सकते हैं आप। हमारा ये प्रॉपर पेन टूल से हमने क्लोज नहीं किया है, ये हमारा क्लोज हो गया। राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, ओके प्रेस करें, कंट्रोल माइनस करें, जो हमारा एलिप्स है इस पर सेलेक्ट करें, ऑल्ट प्लस डिलीट करें, राइट। हमारा ये कुछ पोर्शन रह गया है, हम इसे भी रिमूव कर देते हैं, नॉन स्ट्रोक क्लिक करें, राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें,
ऑल्ट प्लस डिलीट करें, राइट कंट्रोल डी करें डिसलेक्ट करने के लिए, और हमारा ये जो पी और एस का इंटरसेक्शन है इसको हमें रिमूव करना होगा। करें मेक सिलेक्शन करें, ओके प्रेस करें, एस पर सेलेक्ट करें, ऑल्ट प्लस डिलीट करें, कंट्रोल डी करें, राइट। और हमें ये वाला एरिया सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर हम पेन टूल यूज़ करें, राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, एलिप्स टूल पर जाएं, ऑल्ट प्लस डिलीट प्रेस करें, कंट्रोल डी करें। हम यहाँ पर भी गैप्स क्रिएट करेंगे पेन टूल में, राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, एस पर प्रेस करें, ऑल्ट डिलीट करें, राइट कंट्रोल डी प्रेस करें। यहाँ पर भी हम गैप क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, ओके प्रेस करें, डिलीट करें, सॉरी ऑल्ट प्लस डिलीट करें, कंट्रोल डी करें। ये देखिए हमारा ये लोगो हो गया है, अभी हम इस पे और काम करेंगे। कंट्रोल टी करें, टेक्स्ट को हम थोड़ा छोटा रखेंगे, अप्लाई करें, अप्लाई करें, वी प्रेस करें। हम एक और लेंगे लेयर, ये हमने लिया रेक्टेंगल, नॉन सेलेक्ट करें, फिल हम यहाँ पे फुल देते हैं, राइट। हम ये दोनों शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, लेयर पर जाएंगे, कंबाइंड शेप्स पर जाएंगे, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम लेयर करेंगे, राइट। अब हमारे जितने भी जो हमने सिलेक्शन पैन सिलेक्शंस लिए हुए हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे और इन्हें डिलीट कर देंगे, राइट। डिलीट करने के समय ध्यान रहे आपकी जो मैन लेयर्स हैं, जो टेक्स्ट लेयर्स हैं, जो लिप्स हैं, वो डिलीट ना हो, ठीक है। हम हर एक का ग्रुप बना देते हैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर, राइट। अब हम इस पर एक मेटेलिक टच देंगे, इसलिए हम मेटेलिक टेक्सचर लेते हैं, आप इसे ओपन कर लीजिएगा, मूव टूल लीजिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा, अब ज़्यादा दिस कंट्रोल माइनस करें, जूम आउट करें, एंटर प्रेस करें, क्लोज करें, जूम इन करें, राइट क्लिक करें, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करें, जो इसका ब्लेंड मोड है हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट।
ब्राइटनेस हम इसके इंक्रीज करते हैं। राइट, अब हम ग्रुप पर जाएंगे। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ये हमने एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम डाउनलोड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ओके करें, मूव टूल करें, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। इसको कंट्रोल टी कर कर जूम आउट करें। ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब हमारा जो ग्रुप है, हम इसमें ड्रॉप शैडो करेंगे। डबल क्लिक कर कर लेयर स्टाइल पैनल ओपन करें, ड्रॉप शैडो ओपन करें। जो डिस्टेंस है, हम ये देखिए, हमें ये डिस्टेंस पढ़ाते तो हमें इतना डिस्टेंस मिल रहा है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने सपोज 16 रखा हुआ है। एंगल आप 120 ही रखिए, 120 गुड। स्प्रेड आपके ऊपर है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्प्रेड एंड साइज़ को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। राइट, ओके प्रेस करें। ये लीजिए दोस्तों, हमारा लोगो तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जब प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स।